लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व का आगाज होते ही प्रत्याशियों ने चुनावी हुंकार भरना शुरू कर दिया है। बात अगर उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों की करें तो यहां प्रत्याशियों ने नामांकन पर्चा भी दाखिल कर दिया है। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों के लिए मतदान पहले चरण में 19 अप्रैल को होने हैं, जिसको लेकर सभी पार्टियों के प्रत्याशियों ने जोर आजमाइश करनी शुरू कर दी है। लेकिन इन सबके बीच गौर करने वाली बात यह है कि भाजपा ने जिस तरीके से अलग अलग सीटों पर अलग अलग जातीय समीकरणों को ध्यान में रखते हुए प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है, उसी तरीके से कांग्रेस ने भी सेम टू सेम कॉपी पेस्ट करते हुए प्रत्याशियों पर दांव खेला है। बात अगर टिहरी लोकसभा सीट की करें तो यहां भाजपा ने ठाकुर जाति की माला राज्यलक्ष्मी शाह को मैदान में उतारा है, तो वहीं कांग्रेस ने भी ठाकुर जाति के ही जीत सिंह गुनसोला पर दांव खेला है। यानी स्पष्ट है कि सीट पर लड़ाई बीजेपी कांग्रेस के ठाकुर बनाम ठाकुर की होगी। अब अगर बात गढ़वाल सीट की करें तो यहां बीजेपी ने ब्राह्मण चेहरे के रूप में अनिल बलूनी पर भरोसा जताया है, तो वहीं कांग्रेस ने भी ब्राह्मण चेहरे के रूप में गणेश गोदियाल को मैदान में उतारा है। यानी सीट पर लड़ाई ब्राह्मण चेहरों के बीच होगी, जबकि हरिद्वार सीट पर भी दोनों पार्टियों ने ठाकुर जाति पर ही दांव खेला है। हरिद्वार सीट से बीजेपी के उम्मीदवार पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं, जबकि कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के बेटे वीरेंद्र रावत हैं। ऐसे में सीट पर भी लड़ाई दिलचस्प होगी। वहीं अगर बात अल्मोड़ा लोकसभा सीट की जाए तो यहां बीजेपी और कांग्रेस ने अजय टमटा और प्रदीप टमटा पर दांव खेला है। ये सीट उत्तराखंड की एकमात्र आरक्षित सीट है। अब अगर उत्तराखंड की 5वीं लोकसभा सीट नैनीताल उधम सिंह नगर की बात की जाए तो यहां भी दोनों पार्टियों ने ब्राह्मण चेहरों पर दांव खेला है। बीजेपी ने जहां इस सीट पर अजय भट्ट को रिपीट किया है, तो वहीं कांग्रेस ने युवा चेहरे के रूप में प्रकाश जोशी पर दांव खेला है। यानी कि स्पष्ट है कि उत्तराखंड की 5 सीटों पर देश के प्रमुख 2 पार्टियों भाजपा और कांग्रेस ने एक जैसे उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। एक तरफ ठाकुर बनाम ठाकुर की लड़ाई होगी तो दूसरी तरफ ब्राह्मण वर्सेज ब्राह्मण मैदान में होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।